हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास ऑफ क्लास सिक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 11। इन माय लास्ट लेक्चर आई एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 3। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो रीड दिस, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। 3 एग्जांपल्स देने हैं मिनी कंप्यूटर के और मेन फ्रेम कंप्यूटर के। देखिएगा, दिस इज पार्ट नंबर 11। यह है आपका पार्ट नंबर 11 है। तो स्टूडेंट्स फोकस कीजिएगा, 3 एग्जांपल्स ऑफ माय मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की बात कर रहा पहले, 3 एग्जांपल्स ऑफ मिनी कंप्यूटर आर, क्या क्या एग्जांपल हैं? डिजिटल PDP, ये पी है और ये भी पी है, ये क्या है? डी फॉर डॉग, ठीक है, PDP, UNIVAC एंड VAX रेंज। ये 3 एग्जांपल हुए आपके मिनी कंप्यूटर के। एंड 3 एग्जांपल्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के 3 एग्जांपल्स क्या हैं? आर IBM, IBM 360, IBM 370 एंड AMDAHL 580, अमडल 580, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, 3 एग्जांपल्स हैं मिनी कंप्यूटर के, डिजिटल PDP, UNIVAC एंड VAX रेंज। एंड 3 एग्जांपल्स हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के, IBM 360, IBM 370 एंड AMDAHL 580। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थर्ड का आंसर है आपका, इट इज़ कंप्लीटेड, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे हम, फोकस कीजिएगा अपनी बुक में। व्हाट इज एन एनालॉग कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका पेज नंबर 7 पर गिवन है, फिर भी मैंने अपनी नोटबुक में लिखा है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके लिखी है जिससे कि आप इजी लैंग्वेज में इसको लर्न कर सकें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो फोकस कर रहा हूँ मैं एनालॉग कंप्यूटर पर। यस, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, अब मैंने फोकस किया है, देखिएगा। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? अ कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स विद नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाई डायरेक्टली मेजरेबल क्वान्टिटीज इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। यानी कि एक कंप्यूटर जो ऑपरेट करता है नंबर के साथ, किसको? जो रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्टली मेजर करता है क्वान्टिटीज को, क्या कहलाता है? एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। द रिजल्ट गिवन बाई इट विल बी अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ वैल्यू। जो इसके द्वारा रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है, रिजल्ट दिया जाता है, वो क्या होता है? अप्रोक्सीमेट होता है, मीन्स लगभग की रेंज में होता है, ठीक है। एकदम एक्यूरेट नहीं होता है, क्या होता है? उसकी अप्रोक्स मेट रेंज में होता है, लेकिन एक्यूरेट होता है, बट क्या होता है? अप्रोक्सीमेट होता है। विद द हेल्प ऑफ इट, इसकी सहायता से वी कैन मेजर, हम मेजर कर सकते हैं टू स्पीड, स्पीड को, करंट को, वोल्टेज को, टेम्परेचर को, ठीक है, समझ रहे हैं आप? एनालॉग कंप्यूटर क्या है? अ कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स विद नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टली मेजरमेंट, आर रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटीज इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। द रिजल्ट गिवन बाय इट
will be approximate range of values. ठीक है, जो एनालॉग कंप्यूटर है आपका वो क्या करता है, नंबर्स के साथ ऑपरेट होता है और जिस क्वांटिटी को वो मेज़र कर रहा होता है उसे क्या करता है, डायरेक्टली मेज़र करता है। कैसे मेज़र करता है, डायरेक्टली मेज़र करता है। इसके द्वारा जो रिज़ल्ट गिवन होता है, जो रिज़ल्ट प्रोवाइड होता है वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेट रेंज में होता है वैल्यू की। विद द हेल्प ऑफ इट, इसकी सहायता से, मीन्स इसकी किसकी, एनालॉग कंप्यूटर की सहायता से वी कैन मेज़र, हम मेज़र कर सकते हैं, किसको मेज़र कर सकते हैं, स्पीड को, करंट को, वोल्टेज को, टेम्परेचर को। ठीक है भाई, स्पीड आप कैसे मेज़र करते हैं, आपकी गाड़ी में आपने देखा होगा एक मीटर लगा होता है जो आपको बताता है कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है, एक बताता है कि आप किस स्पीड से चल रहे हो। आपके घरों में स्टेबलाइज़र हैं, स्टेबलाइज़र में क्या होता है, वोल्टेज मेज़रमेंट करने के लिए एक मीटर लगा होता है, वो बताता है कि कितना इनपुट आ रहा है, कितना आउटपुट जा रहा है, उस सबको क्या करता है, मेज़र करता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर टेम्परेचर मेज़र करते हैं, कितना आपको फीवर है कि नहीं है, वो किस पर डिपेंड है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर से ही पता लगा पाते हैं कि फीवर है या नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। What do you mean by memory of a computer? आप कंप्यूटर की मेमोरी से क्या समझते हैं, यानी हमें कंप्यूटर की मेमोरी को क्या करना है, डिफाइन करना है। राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, और कंप्यूटर की जो डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी हैं उसको हमें क्या करना है, डिफाइन करना है, उसको लिखना है कितने प्रकार की मेमोरीज हैं। सभी मेमोरी के नेम नहीं लिखने हैं हमें, उसकी कैटेगरी क्या टाइप्स हैं उसके वो लिखना है कि कितने प्रकार का है। चलिए मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस वेयर डाटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर्ड, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, एक स्टोरेज स्पेस है जहाँ पर कुछ भी चीज़ हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि कुछ भी से मतलब क्या है, ये नहीं कि आपने बाइक स्टोर कर दी, बाइक थोड़ी ना स्टोर कर सकते हैं, कार थोड़ी ना स्टोरेज कर सकते हैं, या फिर धान गेहूँ थोड़ी ना स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस, कंप्यूटर मेमोरी क्या, एक स्टोरेज स्पेस है, एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर हम डाटा को, प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। वेयर डाटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर्ड, जहाँ पर डाटा और प्रोग्राम क्या होता है, स्टोर किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी। ठीक, मेमोरी इज मेनली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है मेनली जो क्लासिफाइड है वो तीन टाइप्स की है। कितने टाइप्स की है, थ्री टाइप्स की। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेनली, मुख्यतः
कंप्यूटर की मेमोरी की जो क्लासिफाइड किया गया है उसके टाइप्स को, वो कितने प्रकार के हैं? थ्री टाइप्स के। कितने प्रकार के हैं? थ्री टाइप्स के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी मेमोरी, पहले प्राइमरी मेमोरी होती है जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। पहली क्या है? प्राइमरी मेमोरी है जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट आपकी सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्या है आपकी? सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी, इसे प्राथमिक मेमोरी कहते हैं हिंदी में, द्वितीयक मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी होती है, एक पहली होगी आपकी प्राइमरी मेमोरी जिसे मेन मेमोरी कहते हैं, सेकेंड होगी आपकी सेकेंडरी मेमोरी, थर्ड होगी आपकी कैकेज मेमोरी। ये तीन टाइप्स की मेमोरीज हैं। अब इसके अंदर भी है, मैं ओरली बता देता हूँ, मैंने लिखवाया नहीं है, देखिएगा, मैं फोकस कर रहा हूँ आपकी बुक में, पेज नंबर 8 ओपन कीजिएगा आप लोग, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर तीन मेमोरी होगी आपकी, प्राइमरी मेन सेकेंडरी एंड कैकेज मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अगर अंदर जाते हैं तो उसकी भी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी को भी 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक रोम, रैम, प्रोम, ईप्रोम और ईईप्रोम। क्या है रोम? रीड ओनली मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईप्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपीआरओएम इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इट इज आल्सो रिटन एज ई की पावर 2 प्रोम, यानी कि ई 2 टाइम्स लिखा है इन्होंने, ई को क्या लिख दिया, पावर 2 में लिख दिया, इस टाइप से भी लिखा होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे इस चीज को। क्लियर? दूसरी बात मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको, जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं फोकस कर रहा हूँ सही से एक बार, जिससे आप लोग अच्छे से इसको देख सकें, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट, ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक सेकेंड, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। Have you taken? Okay, next question कर लीजिएगा। Take another स्क्रीन शॉट। Okay, dear students. So, you will write these question answer in your notebook in good handwriting. अपनी अच्छी writing में इनको आप लिखिएगा। And you will learn also. आपको इनको learn भी करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।